नमस्कार, अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों कंपलसरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये है कि हम मैरिज फ्रॉड से बच सकते हैं। मैरिज में किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं? अगर आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपकी जो मैरिज है उसका डेटा गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है। मान लीजिए आपने कहीं ऐसी जगह से शादी की है जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपने किसी ऐसे आर्य समाज मंदिर से शादी करी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और कपल में से कभी कोई झगड़ा हो गया तो वो कहेंगे कि हमने आर्य समाज का सर्टिफिकेट फाड़ दिया, हमारी तो शादी हुई नहीं। तो उसके अंदर जो दूसरा है, जो दूसरा पार्टनर है, जो साथ में रहना चाहता है, तो उसके साथ तो फ्रॉड हो गया। वो तो एज अ हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे थे। तो इन्हीं सब फ्रॉड से बचने के लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और मैरिज के रजिस्ट्रेशन से आपको बहुत सारे ऐसे अधिकार अपने पार्टनर की लाइफ में मिलते हैं। खासकर अगर वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर पूरे राइट मिलते हैं अगर उसने अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट और वीज़ा बनाने के लिए। अगर आपका कोई इंश्योरेंस है तो उसका क्लेम लेने के लिए आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उससे बड़ी चीज़ कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसके अंदर आपकी एज पूरी होनी चाहिए। और अगर आपने लव मैरिज करी है तो लव मैरिज के केस में आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनकेस आपको पुलिस पकड़ लेती है या फिर ऐसी कोई दिक्कत आपके फैमिली की तरफ से आ जाती है तो पुलिस और फैमिली भी आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट को उतना ऑथेंटिक नहीं मानती है, उतना उसको सीरियस नहीं लेती है। लेकिन अगर आपके पास मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो हर पूरी तरह से लीगल है और जेन्युइन है। उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो पुलिस हर आपको प्रोटेक्शन भी उससे मिलती है, आप कोर्ट में भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपने राइट के लिए, आप अपने लिए उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप लड़ भी सकते हैं। तो आपने समझ लिया है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप हमारे थ्रू, मतलब अपनी जोड़ी के थ्रू, अगर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या आप मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम हर तरह से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।